मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कब? व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. हम दो बार डिस्कस करेंगे. एक बार पहला केस ले लेते हैं, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. दूसरी बार लेंगे व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो ध्यान से देखें जरा. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन. इनटू द प्लेन बनाऊंगा तो थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी. इन द प्लेन बनाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा. बी वेक्टर कहाँ है? बी वेक्टर है परपेंडिकुलरली. परपेंडिकुलरली व्हाट? इनटू द प्लेन. एक पार्टिकल यहां से एंटर करता है विद वेलोसिटी वी. दिस इज चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज प्लस क्यू. वैसे आईडी मीटिंग आईडी. पार्टिकल एंटर करता है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. मैं सिर्फ इसे एफ लिख रहा हूँ, एफ बी या एफ एम नहीं लिखा. तो अब क्या होने वाला? अब ध्यान से देखना जरा. अब क्या होने वाला है? द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एज वेल एज वेलोसिटी वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. Then the particle is under the influence of a force and velocity. Since the particle is free to move, particle is already moving. It will keep on moving with its own velocity, velocity vector v, and it will also under the influence of force vector. So what will happen? It will move in the direction. According to this, under the influence of Lorentz force vector, it will move. It will change its path, right? In the direction of force. Now, at this point, again, this is the velocity vector. This is the velocity vector. And again, the magnetic Lorentz force is perpendicular to the velocity vector. This is the force vector. So, it again moves. It again moves like this. At this point, this is the velocity vector, v vector, and the magnetic force is perpendicular to velocity vector. This is f vector. Again, it moves. Sir, ये तो circle बना लेगा. बिल्कुल right, बिल्कुल बढ़िया. क्यों बना लेगा circle? और आपके पास you have a reason. That it is under the influence of a perpendicular force. यहाँ देखें, this is the velocity vector. This is velocity vector. What is the direction of Lorentz magnetic force? It is the direction of, this is the direction of Lorentz magnetic force. Since the force is always perpendicular to magnetic field, since the force is always perpendicular to the velocity vector, therefore this Lorentz magnetic force act as centripetal force. And hence the trajectory of particle is a circle, right? Circular path पर चलेगा, चाहे वो complete circle बने या ना बने. Since F vector is always perpendicular to V vector, F vector is always perpendicular to V vector. Hence F vector act as centripetal force, and the trajectory of particle is circular. अब ये circular है तो फिर centripetal force क्या होगी? centripetal force क्या है? Actually Lorentz magnetic force
is centripetal force. And hence, what is centripetal force? M V square by R equals Lorentz magnetic force. Now, what is Lorentz magnetic force? Q V B sin 90. क्योंकि अभी हमने यहाँ यहाँ थीटा लिया हुआ 90 डिग्री का. वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अब ये आपका क्या बन जाएगा, देखना जरा ध्यान से. अब ये क्या बनने वाला है आपका, ये बनने वाला, V से V कैंसिल कर दीजिए आप यहाँ से, तो क्या बनेगा आपका, एम वी बाय आर इज इक्वल्स टू वॉट, क्यू बी एंड आर इक्वल्स क्यू, सॉरी एम वी बाय क्यू बी मीटर. इट विल मूव ऑन अ सर्किल, इट विल मूव ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस इक्वल टू एम साइन 90. साइन 90 क्यों है, क्योंकि अभी हमने लिया ही वो है, लिया ही हमने केस वो लिया, व्हेन पर वेलोसिटी वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो यहाँ ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द प्लेन दिस इज, और ये ग्रीन वाला मैंने क्या बना रखा, वेलोसिटी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमने लिया ही वो केस है परपेंडिकुलर वाला. तो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस इज इक्वल्स टू what mv by qb. mv is another physical quantity, we know it as momentum. qb momentum upon qb, this is the radius of particle. Then what is the time period if the circle is complete, if the particle complete circular motion, then the time period will be is equals to what, circumference 2 pi r upon velocity, speed upon speed. Okay, so r ki value yahan substitute kar dijiye aap, r ki value kitni, dekhiye 2 pi by v, r ki value abhi humne find kar li upar, q mv by qv, mv by qb. तो टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई एम बाय क्यू बी सेकेंड, दिस विल बी द टाइम पीरियड. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कितना होता है, it will be equals to qb upon 2 pi m revolution per second. And angular velocity kitni ho jayegi iski, what will be the angular velocity is omega. Angular velocity kitna hota hai, omega angular velocity, omega is equals to 2 pi into frequency or 2 pi by time period. तो ओमेगा कितना निकल कर आएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड कर ली हमने, qb बाय 2 पाई m. 2 पाई यहां से कैंसिल आपका हो जाने वाला है, तो क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा बन जाएगा qb बाय m रेडियन पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ध्यान रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी अगर आपको जब फ्रीक्वेंसी के साथ में रेडियन पर सेकेंड दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वो एंगुलर स्पीड कही गई है, भले ही उसको बोलने में एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दिया गया. और कभी आपको रिवोल्यूशन पर सेकेंड कहा जाए, या रोटेशन पर सेकेंड कहा जाए, या इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है, हर्ट्ज कहा जाए, तो फिर ये वास्तव में फ्रीक्वेंसी है. आप देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ही यूज करे जाते हैं वर्ड, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में एंगुलर स्पीड के लिए किया जाएगा. तो आप देखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिखी हुई है, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर स्पीड है वो. क्लियर है बात सारी है? इससे आगे और डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे.